जयप्रकाश जी, एक बात बताइए, इस यूथ चैनल को निकालने का क्या मिशन है? देखिए, ये जो बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 और नेक्स्ट पीएम अपना, बहुजन समाज का सपना, नेक्स्ट पीएम अपना, इसके माध्यम से हम लोग समाज में जागरूकता फैलाएंगे पूरे देश में। जितने भी वोटर्स हैं, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सभी जाति धर्म व्यादि के लिए है। कि क्योंकि अगर हमें पीएम चुनना है, अपने नेता को हमें पीएम बनाना है, बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले और भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले अगर नेता को हमको पीएम बनाना है, तो ये किसी एक जाति विशेष से नहीं बन सकते। इसलिए हम ये सभी समाज के लिए हमने एक मुहिम चलाई है कि आप लोग किसी भी कीमत से बाबा साहब की विचारधारा मानने वाली नेता को कमज़ोर ना माने, उनके पक्ष में पूरा देश आज माहौल तक तैयार हो रहा है। बाकी हम लोग जा कर के माहौल तैयार करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और सभी समाज के लोगों से हम लोग अपील करेंगे कि आप लोग अब की बार भारतीय संविधान में आस्था रखने वाली नेता को अब की बार इस देश का पीएम चुने। जी, ये जो रथ यात्रा है, ये कहाँ कहाँ होकर निकलेगी और क्या इसके एजेंडे हैं, वो थोड़े से बताएं। देखिए, ये यहाँ से आज हम लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, यहाँ से उद्घाटन होगा। यहाँ पर हमारे साथी लोग आए, गेस्ट लोग हमारे आ चुके हैं, उद्घाटनकर्ता वगैरह, और ये अब गाजियाबाद से होती हुई, हापुड़ होती हुई मेरठ जाके रात को ठहरेगी। उसी प्रकार से फिर आपका बागपत, शामली, सहारनपुर, बिजनौर होती हुई, इसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश डिस्ट्रिक्टों को टच करती हुई ये वापसी 1 तारीख को दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद में फिर हम लोग पंजाब, हरियाणा को टच करेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को। उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी करेंगे, तब तक ये चुनाव समाप्त हो जाएगा विधानसभा का। उसके बाद आउटर स्टेट को कवर करेंगे। इस प्रकार से पूरे देश में माहौल तैयार करेंगे हम लोग। 2019 को लेकर बहन कुमारी मायावती के बारे में बताएं कि कहां तक आप समर्थन कर रहे हैं, क्या है वो? देखिए, ये तो पूछने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। जी, मैं देखिए, आज बहन जी ने जो इतना बड़ा जो मुझे प्यार दिया था, ऐसा लोग बहुत चक्के भी रह गए थे, बहुत से लोग, कि इतनी जल्दी इतने छोटे से मामूली से आदमी को इतना बड़ा प्यार बहन जी ने कैसे दे दिया। तो बहन जी ने जो मुझे विश्वास जताया है मेरे ऊपर, आज देश में एक बहुत बड़ा चर्चित चेहरा जो मुझको बनाया है, तो उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और उन्हीं के लिए मैं काम करता रहूंगा। उनको मैं पहले नेता मानता था, अभी भी नेता मानता हूं, ज़िंदगी में उन्हीं को मैं नेता मानता रहूंगा। और बहन जी ने मुझको देखी साथियों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहन जी ने मुझको ये बनाने से पहले, प्रभारी बनाने से पहले मुझसे 3 वचन लिए थे एक कमरे में। नंबर 1 वचन लिया था कि जयप्रकाश तू मुझे धोखा नहीं देगा, और नंबर 2 वचन लिया था कि तू कभी अपने घर वापस नहीं जाएगा, और नंबर 3 ये था कि तू कभी शादी नहीं करेगा। तो दोनों की बात तो अभी कोई बात बनती नहीं है, कोई दिखती नहीं है, ये तो है ही नहीं किसी भी कीमत पे। लेकिन एक चीज़ पे अजमाने का काम किया माननीय बहन जी ने, जब मुझको पार्टी से हटाया और निकाला, तो मैं आज भी बहन जी को धोखा किसी भी कीमत में नहीं दूंगा। बहन जी ने जो पहचान दी है, उसके बदले में मैं उनका एहसान तो खैर नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी जितना मैं हो सकता हूँ, अपनी आखिरी खून के कतरा को बहन जी को इस देश का पीएम बनाने के लिए काम करूँगा। जयप्रकाश जी कहते हैं, कोई पूछता ना था तेरी बंदगी से पहले, तूने मुझे छू के अनमोल बना दिया, तो मैं जो अपना समर्पण है, अपना डिवोशन है, पूरा बहुजन समाज के लिए रखूँगा।